उसमें हमें बहुत इफोर्ट लगाना पड़ता है, 11 सेकंड 11:50 तक लाना है, यहाँ पर शोल्डर के थोड़े बाहर रखने। हैंड्रेड मीटर रनिंग एक स्पीड इवेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो 100 मीटर का स्टार्ट है और फिनिश है उसमें हमें बहुत इफोर्ट लगाना पड़ता है, तभी आपका टाइमिंग कम आएगा। अगर आप 13 सेकंड 14 सेकंड दौड़ते हो तो दोस्तों, अगर आपको टाइमिंग कम लाना है, 11 सेकंड 11:50 तक लाना है, तो उसके लिए हमें अच्छे से स्पीड वर्कआउट करना चाहिए, उसके साथ स्पीड रेपिटेशन लगानी चाहिए, तो उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। और 100 मीटर का जो स्टार्ट है वो भी सीखेंगे। अगर 100 मीटर स्टार्ट अच्छे से लोगे तो दोस्तों आपका टाइमिंग कम होगा। अगर आपको अच्छे से हैंग स्विंग करना नहीं आता, पैर को उठक के डालने नहीं आता, तो उसको भी आज हम अच्छे से सीखेंगे। और आपका जो स्टार्ट पर दोस्तों बहुत डिपेंड रहता है आपका टाइमिंग, और कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे उसके वजह से आपका टाइमिंग कम होगा। तो किस तरह से स्टार्ट करना है, कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए और उसका क्या टेक्निक है ताकि आपका टाइमिंग कम आ सके, इसके बारे में देखते हैं। और वीडियो को दोस्तों पूरा देखना और अच्छे से समझना। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि हर एक बंदे को इस वीडियो का फ़ायदा मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 100 मीटर में हमें स्टार्ट कैसे लेना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों हमें स्टार्ट जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट लेना है, तभी आपका टाइमिंग अच्छा आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्लो स्टार्ट लेते हो तो आपका टाइमिंग अच्छा नहीं आएगा। तो स्टार्ट कैसे ले यहाँ पर देखेंगे। और अगर आप यहाँ पर स्टार्ट लेते हो, यहाँ पर जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ पर कहाँ भी दोस्तों आप 100 मीटर लगा पाते हो, लगा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से खड़े रहते हैं, एक तो इस तरह से खड़े रहेंगे, या तो यहाँ पर नीचे बैठ के इस तरह से आप बैठ के यहाँ पर सीट लगाने के बाद यहाँ पर भी आप चल सकते हैं, इस तरह से भी आप स्टार्ट ले सकते हो। तो हमें स्टार्ट लेने का परफेक्ट तरीका क्या है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ पर आपको इस तरह से एक और डेढ़ इस तरह से पेट को रखना है। और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप या तो शूज़ पर लगाते हो या तो स्पाइक लगाते हो, अगर आपके पास स्पाइक हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि स्पाइक से आपका जो पैर है वो स्लिप नहीं होता, क्योंकि नीचे जो उसके नेल्स होते हैं उसकी वजह से आपका जो पैर है ग्रिप, उसकी ग्रिप अच्छी रह जाती है, इसलिए आप स्पाइक से भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। और स्पाइक नहीं तो तब भी चलेगा, लेकिन आपको दोस्तों आपका जो शूज़ है उसमें भी थोड़ा आपको नीचे ग्रिप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से पैर को रखना है, एक फुट हो गया, उसके बाद डेढ़ फुट, इस तरह यहाँ पर आपको लाइन रखना है। ये जो स्टार्टिंग लाइन है यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ पर 1, 2 और 2.5, इस तरह दोस्तों आपको 2.5 स्टेप लेना है, यहाँ पर आपको डेढ़ फिट लेना है। तो यहाँ पर आपका पैर अगर लेफ्ट है तो आगे रखना है, लेफ्ट राइट है तो राइट आगे रखना है, इस तरह से बैठना है। ये जो राइट घुटना है यहाँ पर नीचे रखना है, ये जो लेफ्ट घुटना है इसके जमीन के पैरेलल रखना है। और ये जो आपके दोनों हाथ हैं यहाँ पर शोल्डर के थोड़े बाहर रखने हैं। फिर यहाँ पर ऑन योर मार्क, यहाँ पर कहते नहीं कहते, फिर उसके बाद सेट, और फिर शूट बचती है, और फिर आपको इस तरह से स्टार्ट लेना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टार्ट फास्ट लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। मतलब क्या करना है, यहाँ से दोस्तों आपको अगर स्टार्टिंग जब आप स्टार्ट लेते हो तो दोस्तों आपको ऊपर नहीं देखना, आपको ऊपर बिल्कुल नहीं देखना, आपको नीचे देखते ही जाना है। मतलब आप स्टार्ट जब फास्ट लेते हो दोस्तों, आपको इस तरह से आपको क्या करना है, नीचे देखना है और हाथ को चलाना है फास्ट, नेक को ऊपर उठाना है, मेरा स्टार्ट कैसा हो रहा है अच्छे से देख लो। और दोस्तों आपको 10 से 15 मीटर इस तरह से आपको स्टार्ट फास्ट लेना है, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा आपको करना है, हाथ स्विंग ऊपर देखना है, फिर आपको हाथ इस तरह से स्विंग करना है, पैर को वो टाइट डालना है। और ये जो सभी जो स्टार्ट है मेरा, जो फिनिश है, इसको अच्छा करने के लिए दोस्तों आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। मेरा स्टार्ट देखो दोस्तों कैसे हो रहा है, इससे आपको स्टार्ट लगाना है, तभी आपका टाइमिंग अच्छा आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको जो ABC एक्सरसाइज है उसको भी आपको वीक में 1-2 बार जरूर करना चाहिए। और दोस्तों आपको ये जो ABC एक्सरसाइज है उसको आपको स्पीड से करना है, हर एक एक्सरसाइज दोस्तों आपको स्पीड से करना है, तभी आपका टाइमिंग अच्छा आ जाएगा 100%। उसके बाद भी कुछ एक्सरसाइज मैं अभी बताऊंगा, उसके वजह से आपका जो स्टार्ट है वो बेटर हो जाएगा। और हमने अभी स्टार्ट देख लिया, इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, तो एक्सरसाइज भी देखो दोस्तों किस चीज़ करना है, और अच्छे से ही करना है, आपका आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा।
पहला एक्सरसाइज करेंगे शॉर्ट हैनी। हमें दोस्तों हाथ को ज़्यादा फास्ट स्विंग करना है, उसके बाद पैरों को भी फास्ट हिलाना है, नेक को थोड़ा ऊपर उठाना है और टो पर इस तरह से आपको शॉर्ट हैनी करने है। और ज़्यादा स्पीड से दोस्तों करना है, आपका जो 100 मीटर का स्पीड है वो बढ़ेगा और आपका स्टार्ट भी फास्ट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे ब्रॉड जंप। हमें हाथों का जर्क लेके इस तरह से आपको नी को थोड़ा उठाना है और पैरों को फ्लैट रखना है, और इससे आपका जो स्टार्ट है 100 मीटर का दोस्तों आपका टाइमिंग कम होगा। इसे एक्सरसाइज को आपको अच्छे से करना है और स्पीड से करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हर्डल जंप। आपको सिर्फ यहाँ पर टो पर जंप करना है, आपको सिर्फ आपको टो नीचे रखने हैं, और इससे आपके दोस्तों लेग में बहुत स्पीड बढ़ेगा। आपका जो स्पीड है, आपका जो 100 मीटर का स्टार्ट है वो भी बहुत अच्छा होगा और आपका टाइमिंग भी कम होगा। इस वर्कआउट को अच्छे से अगर फॉलो करते हो तो दोस्तों आपका गारंटी के साथ 100 मीटर से आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। सिर्फ स्टार्ट को अच्छे से लेना है। और दोस्तों स्टार्ट को अच्छा करने के लिए और एक बात, आपको 30 मीटर 40 मीटर इस तरह से रेपिटेशन लगाना चाहिए। वीक में आप दो बार इस स्टार्ट की रेपिटेशन लगा सकते हो, उसके बाद 120 की रेपिटेशन लगाने हैं, 120 और 30-40 मीटर का स्टार्ट इस तरह से प्रैक्टिस का करना है। और वीक में दो बार इस रेपिटेशन लगा सकते हो आप। अगर इस वर्कआउट को अच्छी तरह से करते हो तो आपका टाइमिंग कम होगा। तो दोस्तों आई होप कि ये जो हमने अभी स्टार्ट बताया उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको आपको बताया वो आपको अच्छे लगे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप हमारे वीडियोज़ आप देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।